राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल जी। हेलो जेंटलमैन, सो जेंटलमैन, क्या हाल हैं आपके? स्वागत है बहुत बहुत आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंटीक शॉप इंडिया में। और जेंटलमैन, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास एक सोनी का होम थिएटर आया है, जो कि लेटेस्ट सीरीज का होम थिएटर है। और ये अभी भी आता था, शायद किसी को पास स्टॉक में पड़ा हो। ये BDB सीरीज आई थी, B फॉर बाबा, D फॉर डॉग, और तीसरा है V फॉर वैन, BDV। सो जेंटलमैन, इस सेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका मॉडल नंबर है सोनी ब्लू रे डिस्क DVD होम थिएटर DVD BDV E3200। यहाँ पे इसके USB है छुपी हुई, ठीक है जी। बहुत फंक्शनों से ये भरा पड़ा है, बहुत ही ग्रेट होम थिएटर है। इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, इसमें आपको मतलब वाईफाई, आप अपना जो वाईफाई ऑन रखेंगे सो ये डायरेक्ट उस पे अटैच हो जाएगा। और ये 5.1 डॉल्बी सिस्टम है, ये देखिए, बड़े ही एडवांस फीचर मिल जाते हैं, ब्लूटूथ, ब्लूरे, वाईफाई। यहाँ पे इसके फीचर हैं, ये आप देख लीजिए एक बार। इसमें आपको DVD, VCD, CD, ऑडियो CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, वाईफाई, डॉल्बी, ट्रू HD और जेंटलमैन काफ़ी फीचर मिल जाते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको वाईफाई से अटैच करके दिखाता हूँ। सो चलिए, मॉडल नंबर आपने जान लिया है। इसमें आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं, और ये देखिए, ये स्क्रीन पे मैं ले आया हूँ। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने क्या करना है, वाईफाई कैसे अटैच करें। सो चलिए, इसको मैं इजी नेटवर्क सेटिंग पे ले आया हूँ, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये वाईफाई जो है ढूंढ रहा है। ये देखिए, वो पूछ रहा है कि आपने वायर्ड सेटअप करना है या वायरलेस। मतलब आप पीछे इसके जैसे BSNL के फ़ोन आते थे, तो आप पीछे इसके तार से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और बिना तार के भी, जैसे इसमें बिना तार का ये वाला ऑप्शन है, वायरलेस सेटअप। सो ये रहा, सो ये सर्चिंग कर रहा है अभी, जो भी नियर अबाउट इसके चल रहे होंगे वाईफाई, वो सभी आ गए हैं, ये देखिए। सो मेरा वाईफाई ये रहा, सो बाकी अलग अलग भी चल रहे हैं। सो मैं अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ओके करूँगा, फिर से ओके करूँगा। सो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड भर देता हूँ। सो ये देखिए, मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड भरने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देखिए, मैं इसमें जो है प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सीनियर जो हैं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनेगी, ठीक है जी। सो मैं अपना पासपोर्ट जो है इसमें भरने जा रहा हूँ, और ये मैंने पासपोर्ट भर दिया है, ठीक है जी। और मैं चलिए एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर से सॉरी, मुझे भी थोड़ा ज्ञान नहीं है, सो फिर से एंटर पे गया मैं। सो ये देखिए, मैंने फिर, आपने ये राइट वाला, ये वाला बटन दबाना है, और ये फिर ऐसे कनेक्टिंग सर्च करने लग जाएगा। ये वाला बटन दबाना है, ये वाला सेंटर से एंटर होता है, और ये वाले से फिर ये इस तरह का दिखाएगा आपको, ये दिखा रहा है कनेक्ट टू द नेटवर्क। अभी ये कनेक्ट हो जाएगा मेरे घर के वाईफाई से, और ये देखिए, ये बोल रहा है इंटरनेट सेटिंग इज़ नाउ कंप्लीट।
ओके करते हैं, एंटर करते हैं, अलाउ कर देना इसको, फिनिश, आपने वो सेंटर वाला दबाए जाना है। सो ये देखिए अपना अब हो गया है कनेक्ट इंटरनेट, वाईफाई इंटरनेट से। सो ये पूरा होम थिएटर मेरे इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। सो मामू आप चला सकते हो इसमें इंटरनेट वीडियो। सो एग्री करते हैं। सो ये आ गया है कनेक्ट टू इंटरनेट वीडियो सर्विस। अभी जो भी इसमें सर्विस होगी मे बी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इंटरनेट कंटेंट रेडी। सो ये देखिए हमारा जो इसमें नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, यप टीवी, ये इसी के अपने एप्लीकेशंस हैं। सो चलिए यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि यूट्यूब, हम यूट्यूब पे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सो यूट्यूब ही हम स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब हमारा मतलब कि हमारा प्यारा चैनल एंटीक शॉप इंडिया, एक एप्लीकेशन है यूट्यूब जिस पे आप देखते हैं। यूट्यूब अमेरिकन कंपनी है और जेंटलमैन पूरे वर्ल्ड में इसने धूम मचा रखी है। यूट्यूब के बराबर कुछ भी नहीं है। ये देखिए यूट्यूब, ये जो है अभी अपलोड हो रहा है, मतलब यूट्यूब जो हमारा ऐप है वो इसमें अभी काम कर रहा है। अभी वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो थोड़ा समय लेगा क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट होता है। सो वाईफाई जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उसी के हिसाब से हमारा होम थिएटर वर्क करेगा। सो वो घूमे जा रहा है और फिर आपके सामने ही निकल के आ जाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। ये देखिए यूट्यूब, वेलकम टू यूट्यूब। सो यूट्यूब हमारा खुल गया है और होम थिएटर जो है प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है यूट्यूब के साथ। सो ये देखिए यूट्यूब का पूरा डेटा अब हमारे आने लग गया है टीवी पे। सो ये देखिए वन बाय वन, अब आपने कोई भी सॉन्ग चलाना है तो आपका होम थिएटर जो है इसके अंदर वाईफाई है, एप्लीकेशन है, ठीक है जी। सो कुछ भी आप चला सकते हैं, कुछ भी। जस्ट मैं आपको ये साइड पे सारा कुछ आ गया। सो चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ चला के। शोले मूवी है, अलग अलग काफ़ी कुछ है। सो ये देखिए सारा कुछ आ गया है। सो ये लगाएं क्या, मोगली लगाते हैं। सो मोगली पे एंटर करते हैं और जो साउंड है वो होम थिएटर का आएगा। सो मैं थोड़ा साउंड कम कर देता हूँ। सो ये देखिए लोडिंग हो रही है अभी, जो मैंने मोगली ओके किया है उससे पहले ऐड आई है। सो एक बात बता दूं, जितनी भी आपकी स्पीड रहेगी वाईफाई उसी के हिसाब से ये चलेगा। सो ये देख लीजिए ऐड मैंने स्किप कर दी है और ये हमारा जो मोगली हमने, ये देखिए। ज्यादा दूर मत जाना छोटा। सो जेंटलमैन, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो ट्रेलर होते हैं मूवीज़ के वो मैं दिखाता हूँ इस पर, थोड़ा होम थिएटर की साउंड का भी पता लग जाएगा। सो जेंटलमैन, ये मैंने सर्च करके इसमें और ये ट्रेलर्स मैंने निकाले हैं, इसमें थोड़ा साउंड का भी पता लग जाएगा। और चलिए मैं प्ले करता हूँ, ये एवेटार मूवी आने वाली है। सो आप इस होम थिएटर में देख सकते हैं, जिसने भी मेरे सीनियर ने लेना है। सो ये देखिए इसका साउंड बहुत गजब है। ये देखिए नेट आ रहा है, नेट के साथ कनेक्ट है। बहुत बेस, बहुत अच्छी। I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. Zabardast sound hai. So what does her heartbeat sound like?
सो मैंने रिटर्न कर लिया है। सो जेंटलमैन, इस तरह से आप अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट करके आप इंटरनेट का मज़ा ले सकते हैं। सो चलिए मैं इसका होम बटन दबाता हूँ। सो अभी ये होम पे आ जाएगा। पहले तो इसमें ये वाईफाई की सुविधा है जो मैंने आपको दिखा दी है, और कनेक्ट कर कैसे करना है वो भी दिखा दिया है। दूसरी इसमें जो सुविधा है वो देख लीजिए जेंटलमैन, इसमें आपको दूसरी ब्लूटूथ की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है जी। सो मैं इसको ब्लूटूथ पे कनेक्ट करता हूँ। चलिए अभी ये बीटी पे आ गया है। सो मैं अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। सो जेंटलमैन, जब आप ब्लूटूथ पे करेंगे और जैसे आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन करके, ये देखिए ऑफ है, मैं आपको साक्षात दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए सर्च कर रहा है, ठीक है, और ये मेरा ब्लूरे होम थिएटर इसने उठा लिया है। इसको टच करेंगे, सो ये पेयरिंग मांग रहा है, सो ये मैंने पेयर कर दिया है। अब मेरा जो है ब्लूटूथ इसके साथ टच हो गया, तो इस तरह की कोई स्क्रीन आ जाएगी। सो चलिए मैं कुछ गाना प्ले करता हूँ, ठीक है जी। सो ये लीजिए, मैंने इस पे गाना प्ले कर दिया है। सो मेरा भी फ़ोन जो है चल रहा है। अभी एड चल रही है। इसमें काफी साउंड है, बहुत साउंड है इसका। तो ये मैंने आपको पहले तो वाईफाई के साथ कनेक्ट करके दिखाया, दूसरा आपको ब्लूटूथ के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो करके दिखाया, और तीसरा जेंटलमैन जो है इसका सीडी का है। सो मैं इसमें सीडी डाली हुई है, सो ट्रे में बाहर आ गई है, ये देखिए। सो ये मैंने सीडी जो है अंदर चली गई है, ऑल राइट। सो मैं इसको जो है सीडी मोड पे कर लेता हूँ फंक्शन। सो ये देखिए आ गए हैं फंक्शन पे। जब हम फंक्शन वाला बटन दबाते हैं सो ये डीवीडी पे ओके कर देंगे, ठीक है जी। अब हम प्ले करेंगे हमारी सीडी। सो प्ले हो गई है। सो मैं ये हमारी सीडी चल पड़ी है, ये देखिए डीवीडी चल रही है। सो जेंटलमैन, मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुना सकता, कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब पे। सो हमारी डीवीडी भी बहुत बेहतरीन वर्किंग है, देखिए वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया। अब मैंने आपको डीवीडी चला के दिखाई, और जेंटलमैन उसके बाद इसका रेडियो है, और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जब मैं फंक्शन वाला बटन दबा देता हूँ, देखिए इसमें USB मिल जाता है जो कि आपका यहाँ पर लगेगा। इस ये सीक्रेट है, ये मेरे सीनियर्स को पता होना चाहिए, यहाँ पे इसके USB लगता है, ठीक है जी। इसको आप खोल लीजिए, इस तरह से ये खुल जाता है। थोड़ी डस्ट है इसमें, ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये यूज़ नहीं किया गया लगता है। सो जेंटलमैन, यहाँ पे USB लग जाता है। उसके बाद और देखते हैं फंक्शन, काफ़ी कुछ है फंक्शनों में आपको मिलने वाला। सो ये देखिए FM प्रीसेट। सो FM आपने ओके करना है, ये तो आपको पता लग ही गया है। सो डिलीट BDB डाटा, ये सारा डाटा भी मैं भी सेव कर लेता होगा। और ये है इसके इनपुट। सो ऑडियो इनपुट भी है, वो मैं पीछे दिखाऊंगा इनपुट में क्या मिल जाता है। ये TV ऑप्टिकल है, देखिए मैंने अभी इसको HDMI से कनेक्ट कर रखा है। सो जेंटलमैन, आप इसको TV से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट ब्राउज़र है इसमें, ठीक है जी। सोनी इंटरटेनमेंट नेटवर्क रिकमेंडेशन, ये सारे फीचर हैं। ये आपकी यहाँ पे CD और बाकी सारा कुछ चलेगा। ये रेडियो है,
ये म्यूज़िक है। सो सीडी और ये डिवाइस कोई भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये फ़ोटो आप इसके साथ कैमरा भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारा सेटअप है, इसमें आपको बहुत फंक्शन मिल जाते हैं। इसमें देखिए, अगर आपको कुछ उलझ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने ये होम थिएटर किसी को सेल आउट करना है, तो रीसेटिंग पे जाएं, रीसेट यहाँ पे ओके करें, और यहाँ पे आप ये सभी को ना वो फैक्ट्री रीसेट कर दें, तो आपका सारा डाटा इसमें से निकल जाएगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जेंटलमैन और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। इसमें ये जैसे इजी नेटवर्क सेटिंग में मैंने आपको शुरू से ही बता दिया था, यहाँ पे जाना है, आप इसको अपने वाईफाई से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड ही है। सो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है, सो इंटरनेट सेटिंग, नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस देखना चाहते हैं, और नेटवर्क कनेक्शन डायग्नो करना चाहते हैं, बहुत सारे ये देखिए भरा पड़ा है, पार्टी ऑटो स्टार्ट, रिमोट स्टार्ट, इतने फंक्शन है। ये सिस्टम सेटिंग है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं, मेन यूनिट इल्यूमिनेशन HDMI सेटिंग है, क्विक स्टार्ट मोड है, ऑटो स्टैंड बाय है, ऑटो डिस्प्ले, स्क्रीन सेवर, सॉफ्टवेयर अपडेशन। इसमें जैसे जैसे आगे और सॉफ्टवेयर आएंगे तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर लाइसेंस इंफॉर्मेशन, ये सारे मिल जाते हैं। पेरेंट कंट्रोल में आपको मिल जाता है, पासवर्ड लगा सकते हैं आप, लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थक गया यार बोल बोल के। आप अपनी आप साक्षात खुद देख लीजिए, इतने फंक्शन हैं। उसके बाद जेंटलमैन BDB DVD व्यू सेटिंग, इसमें भी ये देखिए लैंग्वेज है, ऑडियो लैंग्वेज है, सब टाइटल लैंग्वेज है, आपने पूरे वर्ल्ड में कैसी आपने लैंग्वेज रखनी है वो कर सकते हैं। ऑडियो सेटिंग है, ऑडियो सेटिंग ज़रूरी है, ये देख लीजिए। BD ऑडियो मिक्स सेटिंग है, ऑडियो DRC है, ऑडियो आउटपुट, साउंड इफेक्ट, यहाँ से आप साउंड इफेक्ट मोड ऑन है। स्पीकर सेटिंग आप ये देखिए, स्पीकरों की सेटिंग आप रख सकते हैं, ऑल फ्रंट पे रखने हैं तो कुछ इस तरह दिखाएगा, लेवल रखना है, टेस्ट टोन पे चलिए चल के हम देखते हैं। सो सभी चलते हैं कि नहीं देखना आप, देखिए आवाज आ रही है। बेस, बूफर, ये सेंटर, ये फ्रंट, ये सराउंड, ये भी सराउंड, ये बूफर, ठीक है जी। सो इस तरह ये प्रॉपर चेक करवाता रहेगा लगातार, और सभी स्पीकर बेहतरीन चल रहे हैं, मैंने आपको चेक करवा दिया। स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं, देखते हैं स्क्रीन सेटिंग में। 3D आउटपुट सेटिंग है, TV स्क्रीन साइज कर सकते हैं, TV टाइप कौन सा है, स्क्रीन फॉर्मेट है, DVD एस्पेक्ट, सिनेमा कन्वर्सेशन मोड ऑटो पे ही रखिए, ऑटो वीडियो रेजोल्यूशन, BD रोम 24 आउट, DVD रोम 24, HDMI पॉज मोड, और जेंटलमैन नेटवर्क अपडेट। सो ये सारे फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। सो मैंने सारा कुछ चेक करवा दिया है इसमें। ये ब्लूरे DVD वाईफाई स्मार्ट होम थिएटर है, स्मार्ट होम थिएटर आप इसको कह सकते हैं। अब जेंटलमैन मैं आपको इसके पीछे ले चलता हूँ, बैक साइड से मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है। सो जेंटलमैन मैं इसकी बैक साइड पे आ गया हूँ, आप देख लीजिए बैक साइड पे से ये किस तरह का दिखता है। सो जेंटलमैन सबसे पहले तो इसके जितने भी स्पीकर हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पीकर टोटल लगते हैं, बहुत ईजी है, आपने ब्लू से ब्लू मिला देना है, और ये ग्रे से ग्रे मिला देना है, ग्रीन से ग्रीन जो सेंटर का है मिला देना है, सब बूफर जो है मिला देना है, ये जामुनी कलर का, वाइट फ्रंट लेफ्ट मिला देना है, रेड मिला देना है, ये देखिए दिया ही गया है, डॉल्बी सिस्टम, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फ़ैन मिल जाता है जो इस होम थिएटर को ठंडा रखेगा, जावा पावर्ड बाय जावा, डिजिटल इन ऑप्टिकल TV, यहाँ पे डिजिटल इन
ऑप्टिकल, यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है जी। और जेंटलमैन HDMI आपकी जो है वो आउट रहेगी, ये ऑप्टिकल इन रहेगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए वाईफाई आप दो तरह यूज़ कर सकते हैं, एक तो वायरलेस, एक वायर के साथ, एक वायरलेस एक वायर के साथ। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे HDMI का है, HDMI आउट, और ये रही आपकी ऑडियो इन। सो सिंपल भाषा में इसको ऑक्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और आपका जो है डायरेक्ट केबल या फिर कोई भी आपका डिश यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे आपका FM लगेगा, FM का एंटीना, ये देखिए लिखा हुआ है। सो ये था इसका बैक साइड का वेरवा। सो जेंटलमैन अब बारी आती है इसके स्पीकरों की, इसके स्पीकरों की बारी आती है अब। सो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जेंटलमैन ये सारे स्पीकर जो है ये 1000 वॉट ये एम्प जनरेट करता है। इसके पीछे देख लीजिए, ये आप इसको टांग सकते हैं सभी स्पीकरों को, ठीक है जी। सोनी SSTS-B132 3 ओहम में मेड इन मलेशिया के बने हुए हैं। ये फ्रंट लेफ्ट है, ये सराउंड है, छोटे सराउंड के हैं, बड़े फ्रंट के हैं, और ये है सेंटर का 6 ओहम में, सेंटर वाला ज़्यादा है, मेड इन मलेशिया का ये भी बना हुआ है। ये वाले स्पीकर भी देख लीजिए आप, सराउंड और ये फ्रंट, ठीक है जी। लंबा वाला फ्रंट है, छोटा वाला सराउंड है। और चलिए बूफर पे आ जाते हैं। सो ये है आपका बूफर, बूफर इसमें 6-6.5 इंच का बूफर मिल जाता है। बहुत ही हैवी ड्यूटी ये बूफर है, ये पैसिव बूफर है, इसको इसका एम्प ही चलाता है। इसके एम्प को हम डी एम्प बोल देते हैं। और ये देख लीजिए इसका बूफर जो है ये भी 6 ओम्स में आता है, मेड इन मलेशिया 6 ओहम। सो जेंटलमैन ये थी इसकी पूरी की पूरी बायोग्राफी। सोनी का ये जो होम थिएटर है BDV-3200 हिंदी में प्योर जानकारी थी, और मेरे सीनियर को पसंद आई होगी, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी BDV सीरीज़ के होम थिएटर हैं उनको सेट करने में बड़ी ही आपको हेल्प मिलेगी ये वीडियो के ज़रिए। और आप इसको कभी भी मेरी वीडियो को ओपन करके आप इसको सेटअप कैसे करना है वो कर सकते हैं जी, ठीक है। और जेंटलमैन ये सारा कुछ मैं बता दिया है, चलिए अब बारी है इसके प्राइस की। सो मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। सो जेंटलमैन ये आपको 16,000 का मिल जाएगा, 16,000 का ये पूरा होम थिएटर है, आप गूगल कर सकते हैं। ये करीब 32,000-34,000 का आता था, अभी ये यूज्ड है, सो आपको ये हाफ प्राइस में मिल जाएगा, 16,000 का ये सेट मिल जाएगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन मेरा चैनल जो है देखने के लिए। आप देखते रहिए मेरा चैनल एंटीक शॉप इंडिया, जुड़े रहिए यूट्यूब के साथ, और आप हंसते मुस्कुराते खुश रहिए, गुनगुनाते तंदुरुस्त रहिए, यही दुआ है मेरी। सो थैंक यू वेरी मच जी।